तो गाइस डू यू नो कि 30 से ज्यादा एमुलेटर्स अवेलेबल हैं जिसकी मदद से आप अपने फोन में कंसोल गेम्स को चला सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए टॉप रैंक्ड एमुलेटर्स लाया हूं जो बहुत ही खतरनाक और शानदार कंसोल गेम्स को आपके फोन में चलाते हैं। तो वीडियो थोड़ी सी लंबी लेकिन बहुत इंफॉर्मेटिव है, एंड तक जरूर देखिएगा। और हमने नोटिस किया है कि 90% ऑडियंस ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कीजिए फटाफट और हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो लिस्ट में सबसे पहले आता है प्लेस्टेशन 1 यानी कि PSX, कई लोग इसको PS1 भी बोलते हैं। तो गाइस ये जो कंसोल था ये 2002 में लॉन्च हुआ था इंडिया में और वर्ल्ड वाइड 1994 में लॉन्च हो गया था। तो इस कंसोल के बहुत ही क्रेजी सेल्स हुए थे और ये इसलिए इतना खास था क्योंकि ये वर्ल्ड का शायद सबसे पहला 3D गेम्स वाला कंसोल था, यानी कि जिसमें आपको 3D गेम्स मिलते हैं। इससे पहले जितने भी गेम्स आते थे या कंसोल गेम्स वो 2D रहते थे। तो इसने काफी बड़ी बाजी मारी थी, वर्ल्ड वाइड बहुत पॉपुलर हुआ था। तो PS1 के गेम्स आप लोग अपने फोन में खेल सकते हैं बेसिकली 3 एमुलेटर की मदद से। सबसे पहला है रेट्रो आर्क, दूसरा है डक स्टेशन जो काफी पॉपुलर है, और तीसरा है EPSXE एमुलेटर। तो इसमें जो EPSXE एमुलेटर है सबसे ज्यादा पॉपुलर है। इसके अलावा डक स्टेशन भी आप यूज कर सकते हैं। गेम्स की बात करें तो जो वर्ल्ड वाइड सबसे ज्यादा बिकने वाला यानी कि मोस्ट सेलिंग वाला PS1 गेम था उसका नाम था ग्रैंड टूरिज्मो, जिसके 100 मिलियन यानी कि 10 करोड़ कॉपी सेल हुए थे। इसके अलावा काफी पॉपुलर गेम्स इसमें हैं जैसे टेकन 3, रेजिडेंट ईविल 2, इसके अलावा आपको इसमें फाइनल फैंटेसी और WWF के भी काफी ज्यादा गेम्स मिलते हैं। अब दोस्तों इसके बाद जो प्लेटफॉर्म आता है उसका नाम है NDS यानी कि निटेंडो DS। बेसिकली निटेंडो DS एक हैंड हेल्ड कॉन्सोल था जिसमें आपको 2 स्क्रीन मिलती थी और इसका जो मेन कॉम्पिटिटर था वो PSP था। तो इस कॉन्सोल को निटेंडो लॉन्च किया था 2004। तो इस कॉन्सोल को 15 करोड़ से ज्यादा लोग ने खरीदा था। तो अगर आपको निटेंडो DS कॉन्सोल के गेम्स अपने फोन में चलाने हैं तो आपको ड्रास्टिक DS एमुलेटर को प्ले स्टोर से डाउनलोड करना पड़ेगा। इस एमुलेटर के 1 मिलियन से ज्यादा डाउनलोड। और अगर मैं आपको कुछ फेमस गेम्स के नाम बताऊं जो आप लोग इस एमुलेटर में खेल सकते हैं यानी कि NDS गेम्स, सबसे पहले तो आता है इसमें GTA चाइना टाउन वॉर्स जो सबसे ज्यादा सेल हुआ था इस प्लेटफॉर्म के लिए। इसके अलावा इसमें आपको पोकेमॉन के गेम्स मिलेंगे, कैसलवेनिया, लेजेंड ऑफ जेल्डा, इसके अलावा सुपर मारियो ब्रॉस, ऐसे काफी ज्यादा फेमस फ्रेंचाइजी वाले गेम्स इसमें आपको मिल जाएंगे। अब इसके बाद जो प्लेटफॉर्म आता है उसका नाम है Dreamcast। आई एम श्योर इसके बारे में काफी कम लोग जानते होंगे। Dreamcast को सेगा कंपनी लॉन्च की थी और ये लॉन्च हुआ था दोस्तों PS1 से टक्कर के लिए, यानी कि ये 6th जनरेशन कंसोल था जिसमें आपको बहुत ही खास गेम देखने को मिलते हैं। अगर आपको Dreamcast के गेम्स अपने फोन में चलाने हैं तो आपको रेड ड्रीम एमुलेटर को डाउनलोड करना पड़ेगा जो आप प्ले स्टोर से इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। अगर मैं कुछ फेमस Dreamcast गेम्स के नाम बताऊं, सबसे पहला तो इसमें है रेजिडेंट ईविल कोड वेनोरिका, मार्वल वर्सेस कैपकॉम 2, इसके अलावा इसमें आपको क्रेजी टैक्सी, स्ट्रीट फाइटर 3 और भी बहुत ज्यादा गेम्स मिलते हैं। तो गाइस नेक्स्ट जो एमुलेटर है उसका नाम है दोस्तों माई ओल्ड बॉय, और इसमें जो आप गेम्स खेल सकते हैं उनके नाम मैं बता देता हूँ। सबसे पहला तो है पोकेमॉन रूबी एंड सफायर, इसके अलावा कैसलवेनिया, लेजेंड ऑफ जेल्डा, एस्ट्रो बॉय और भी बहुत सारे गेम्स हैं इसमें। तो ये जो माई ओल्ड बॉय एमुलेटर है ये रन करता है GBA कंसोल के गेम्स। अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूं, GBA यानी कि गेम बॉय एडवांस, ये भी एक हैंडहेल्ड कंसोल ही था बिल्कुल PSP जैसे, लेकिन इसमें जो गेम्स थे वो काफी लाइट वेट थे। मोस्टली इसमें आपको 2D गेम्स देखने को मिलते हैं और इसमें लाइट वेट का मेरा ये मतलब है कि इसमें जो गेम की साइज है लगभग 30-40 या इवन 64 MB तक जाती है। काफी हल्के इसमें आपको गेम्स देखने को मिलते हैं, तो आप इजीली इन गेम्स को अपने फोन में चला सकते हैं भले ही अगर आपके पास लो एंड फोन है फिर भी। अब दोस्तों फाइनली लिस्ट में आता है अब तक का वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एमुलेटर जिसका नाम है डॉल्फिन। ये जो एमुलेटर ये रन करता है 2 प्लेटफॉर्म के गेम्स को। सबसे पहला है दोस्तों WII और दूसरा है दोस्तों गेम क्यूब। मैं आपको इसकी हिस्ट्री समझा देता हूँ कि जब सोनी ने प्लेस्टेशन 1 यानी कि PS1 लॉन्च किया था वो बहुत बड़ा लीप था गेमिंग इंडस्ट्री में, यानी कि गेमिंग कंसोल के इंडस्ट्री में, क्योंकि जो PS1 था उससे 3D गेम्स की शुरुआत हुई थी। तो जब निटेंडो ने देखा कि उसका मार्केट काफ़ी नीचे जा रहा है, काफ़ी डिक्लाइन हो रहा है, तब निटेंडो ने एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा आइडिया निकाला। उसने लॉन्च किया गेम क्यूब जो डायरेक्ट कॉम्पीट करता था PS1 से, और ये जो गेम क्यूब लॉन्च हुआ था 1994 में और ये बहुत अच्छी टक्कर दिया था PS1 को। लेकिन जैसे PS2 लॉन्च हुआ उस टाइम भी निटेंडो ने वापस वर्क किया, काफ़ी मेहनत की और उसने लॉन्च किया WII कंसोल जो कि PlayStation 2 से टक्कर के लिए लॉन्च हुआ था। तो डॉल्फिन एमुलेटर में बहुत ही तगड़े AAA टाइटल्स वाले गेम आप खेल सकते हैं। सबसे पहले तो इसमें कॉल ऑफ ड्यूटी के 3 वर्जन आपको मिलते हैं, ब्लैक ओपीएस, मॉडर्न वॉरफेयर 3, वर्ल्ड एट वॉर। इसके अलावा इसमें आपको स्पाइडरमैन के गेम्स, एवेंजर के गेम्स मिलेंगे एंड इवन इसमें आपको रेजिडेंट ईविल 4 भी मिलेगा जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर गेम था इसमें। अब दोस्तों फाइनली वो एमुलेटर आता है जिसने एमुलेटर का ये जो जर्नी है पूरा शुरू किया था 2011 में। तो गाइस इसका नाम है PPSSPP जो कि रन करता है PSP कंसोल के गेम्स। और मुझे याद दोस्तों जब मैं स्कूल में था यानी कि 6th-7th क्लास तक, और जब भी हम लोग पिकनिक जाते थे इवन क्लास में भी बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स जो मेरे फ्रेंड्स थे वो PSP कंसोल को लेके आते थे।
एंड उस टाइम पे जब मैं पीएसपी गेम्स के ग्राफिक देखता था, जब मेरे क्लासमेट खेलते थे, मुझे बहुत ज़्यादा यूनिक लगता था, बहुत अट्रैक्ट करते थे गेम्स। तो गाइस ये पीएसपी ही वर्ल्ड वाइड बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ था, सोनी का ये वन ऑफ द मोस्ट सेलिंग प्रोडक्ट था पीएसपी। इसी वजह से पीएसपी में बहुत ज़्यादा फेमस गेम्स आए थे। सबसे पहले तो इसमें गॉड ऑफ वॉर सबसे फेमस सीरीज है, इसके आपको दो गेम्स मिल जाते हैं, चेन ऑफ ओलंपस और घोस्ट ऑफ स्पार्टा, GTA वाई सिटी, इसके अलावा इसमें आपको GTA वाई सिटी स्टोरीज भी मिल जाएगा, एंड इवन इसमें असैसिन्स क्रीड, कॉल ऑफ ड्यूटी, प्रिंस ऑफ पर्सिया, बहुत ज़्यादा आपको इसमें फेमस टाइटल वाले गेम्स मिल जाएंगे। तो पीएसपी गेम्स खेलने के लिए आप लोग दो एमुलेटर यूज़ कर सकते हैं, सबसे पहला तो एक PPSSPP है, इसके अलावा आप लोग लेमुरॉयड एमुलेटर को भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर इवन आप लोग रॉकेट PSP एमुलेटर को भी यूज़ कर सकते हैं। अब दोस्तों मैं आपके सामने दो एमुलेटर्स को एक साथ कवर करने जा रहा हूँ। ये दोनों जो एमुलेटर्स हैं दो अलग अलग प्लेटफॉर्म के गेम्स को यानी कॉन्सोल के गेम्स को रन करते हैं। सबसे पहला है दोस्तों SNES एमुलेटर जो कि रन करता है सुपर निंटेंडो के गेम्स को, और दूसरा दोस्तों Mupen 64 एमुलेटर जो रन करता है Nintendo 64 के गेम्स को। तो ये जो दोनों कॉन्सोल्स हैं इसमें आपको बहुत ही हाई एंड गेम्स तो नहीं मिलेंगे, लेकिन फिर भी इसमें बहुत ही फेमस आपको जो फ्रेंचाइजी ऑफ गेम्स है जैसे मारियो, सुपर सोनिक, लेजेंड ऑफ जेल्डा, इसके अलावा पोकेमॉन के गेम्स आपको बहुत ज़्यादा इसमें मिल जाएंगे। एंड आई एम श्योर कि ये जो निंटेंडो 64 और सुपर निंटेंडो है इनके गेम्स के बारे में काफ़ी कम लोग जानते हैं। तो अगर आपको चेकआउट करना है कि आपका कोई फेमस इसमें गेम है जिसको आप खेल सकते हैं, तो आप गूगल पे जाकर सर्च कर सकते हैं फेमस निंटेंडो 64 या फिर सुपर निंटेंडो गेम्स, जिससे फिर आप चेकआउट कर पाएंगे कि आपको ये एमुलेटर यूज़ करना है या फिर नहीं। अब दोस्तों हम लोग मूव ऑन कर रहे हैं हाई एंड एमुलेटर्स की तरफ। ये जो एमुलेटर्स हैं ये बहुत ही ज़्यादा हाई एंड गेम्स को रन करते हैं। सबसे पहले आता है दोस्तों Ether SX2, नाम से आप लोग समझ गए होंगे ये रन करता है PS2 गेम्स को। तो गाइज आप सबको पता है कि PlayStation 1 बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ था क्योंकि वो पहले 3D गेम्स को लॉन्च किया था। उसके बाद जब PS2 लॉन्च हुआ, जब सोनी ने उसको लॉन्च किया, तो बहुत ज़्यादा गेमिंग कंपनीज ने PS2 अपने गेम्स को लॉन्च किए क्योंकि उन लोगों को पता था कि इसका क्रेज़ बहुत ज़्यादा होने वाला है। इसलिए लगभग सारे ही इंडस्ट्रीज़ ने अपना एक एक गेम लॉन्च किया। इसी वजह से इसमें आपको मार्वल के गेम्स देखने को मिलते हैं, स्पाइडरमैन के गेम्स देखने को मिलते हैं, आपको लिटरली इसमें आयरन मैन, हल्क के गेम्स देखने को मिलेंगे। इसके अलावा इसमें आपको गॉड ऑफ वॉर 2 मिलेगा। गॉड ऑफ वॉर 1 आपको PSP में मिलता था, गॉड ऑफ वॉर 2 आपको PS2 में मिलेगा। तो ये काफी बड़ी बात है, गॉड ऑफ वॉर 2 आप लोग चला सकते हैं। एंड इवन PS2 कॉन्सोल्स के लिए बहुत ज़्यादा PSP गेम्स आए थे अच्छे ग्राफिक्स के साथ, यानी कि इसमें आप लोग गॉड ऑफ वॉर, चेन ऑफ ओलंपस भी खेल पाएंगे लेकिन अच्छे ग्राफिक्स के साथ। तो इसी वजह से PS2 काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुआ था। इनके गेम्स की लाइब्रेरी बहुत ज़्यादा है, तो इसको आप लोग Ether SX2 एमुलेटर की मदद से चला सकते हैं। अब दोस्तों इसके बाद आता है रिसेंटली लॉन्च्ड एमुलेटर जिसका नाम है Vita 3K, और ये रन करता है PS Vita के गेम्स को। एंड लिटरली एक दो साल पहले तक मुझे PS Vita कॉन्सोल के बारे में पता ही नहीं था, फिर जब मैंने इसके ऊपर रिसर्च की मुझे पता चला कि सोनी ने PS Vita लॉन्च किया था लगभग 2012-13 में, और वर्ल्ड वाइड ये थोड़ी देर बाद लॉन्च हुआ था। तो PS Vita बिल्कुल PSP जैसा हैंड हेल्ड कॉन्सोल ही है, ये कोई ऐसा कॉन्सोल नहीं जो टीवी से लगता है, ये हैंड हेल्ड कॉन्सोल था। तो इसको आप लोग समझ सकते हैं PSP का एक बेटर वर्जन। तो जब सोनी ने PS Vita लॉन्च किया तो ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं हुआ था, बहुत कम ही गेमिंग कंपनीज ने अपने गेम्स को PS Vita के लिए लॉन्च किया था क्योंकि उस टाइम तक PSP भी काफी ज्यादा पॉपुलर था और PS3 भी लॉन्च होने वाला था, इसलिए PS Vita पे किसी ने ध्यान नहीं दिया। लेकिन इसमें बहुत अच्छे-अच्छे गेम्स आपको मिलेंगे जो और किसी एमुलेटर में आपको नहीं देखने को मिलते। जैसे इसमें आपको अनचार्टेड गोल्डन एबिस देखने को मिलेगा, मॉर्टल कॉम्बैट, गॉड ऑफ वॉर, माइनक्राफ्ट का PS Vita एडिशन भी आपको इसमें मिलता है। तो गेम्स की लिस्ट इसमें काफी अच्छी, आप लोग ध्यान इसमें जरूर दीजिएगा। अब दोस्तों फाइनली हम लोग उस लेवल पे आ चुके हैं कि जो एमुलेटर्स हैं PC लेवल तक के गेम्स को आपके फ़ोन में चला देंगे। तो गाइज अब आते हैं तीन एमुलेटर्स जो है EGNS, Skyline और Yuzu एमुलेटर। ये तीनों एमुलेटर आपके फ़ोन में Nintendo Switch गेम्स को रन करते हैं। Nintendo Switch तो हाल ही में लॉन्च हुआ है, इसका प्राइस भी अगर आप बाई करना चाहें तो लगभग 30-35 हज़ार का आपको मिलेगा। तो Nintendo Switch कॉन्सोल के लिए बहुत ज़्यादा PC गेम्स पोर्ट हुए थे, जैसे GTA का डेफिनेटिव एडिशन, GTA San Andreas का डेफिनेटिव एडिशन आपको इसमें मिलेगा, Witcher 3 Wild Hunt मिलेगा, Sniper 3 Elite मिलेगा। तो आप लोग देख सकते हैं बहुत ज़्यादा PC गेम्स हैं जो आप अपने फ़ोन में चला सकते हैं इस Nintendo Switch एमुलेटर्स की मदद से। हाँ, लेकिन एक चीज़ है कि इन एमुलेटर्स को रन करने के लिए आपके पास बहुत ही हाई एंड डिवाइस होना चाहिए। जैसे मेरे पास OnePlus 11 है, इसमें गेम्स काफ़ी ठीक ठाक चल जाते हैं 10-20 FPS में। अगर आपके पास लो एंड फ़ोन है या फिर 50,000 से नीचे का फ़ोन है तब आप इस एमुलेटर को शायद यूज़ ना कर पाएं, या फिर यूज़ कर भी पाएं तो हाई एंड गेम्स को ना चला पाएं क्योंकि सपोर्ट बिल्कुल करेगा ही नहीं। अब फाइनली हम लोग आते हैं अब तक के सबसे बेस्ट या फिर सबसे यूनिक एमुलेटर की तरफ, जो कि है दोस्तों विंडोज़ एमुलेटर। अब विंडोज़ एमुलेटर की लिस्ट में सिर्फ दो एमुलेटर्स आते हैं जिसका नाम है ExaGear और WinLater। तो ये जो दोनों एप्लीकेशन आपके फ़ोन में विंडोज़ को रन करते हैं यानी कि विंडोज़ के गेम्स को,
इन एमुलेटर्स को सेटअप करना लिटरली बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। अगर आप एक नॉर्मल यूज़र हैं तो सेटअप करना बहुत मुश्किल होगा आपके लिए। मैंने खुद जब इसको सेटअप किया था लगभग 5 to 6 टाइम्स में अनसक्सेसफुल हुआ था। तो अगर आप इन एमुलेटर को सेटअप कर पाते हैं, जैसे एक्सा गियर को सेटअप कर लिए, तो आप लोग कुछ थोड़े मोड़े पीसी गेम्स, लाइट वेट जो पीसी गेम्स हैं, वो आप अपने फ़ोन में चला सकते हैं। अगर आप हाई एंड गेम्स चलाना चाहें तो आपके पास हाई एंड फ़ोन भी होना चाहिए। लेकिन अभी ये जो दोनों एमुलेटर से बीटा फेज में है, बहुत ज़्यादा क्रैशेज एंड बग्स इसमें देखने को मिलते हैं। लेकिन फ्यूचर में ये जो विंडोज़ एमुलेटर्स हैं, इनका फ्यूचर मुझे काफ़ी अच्छा दिख रहा है। तो आगे देखते हैं कि इन दोनों के साथ क्या होता है, और इसके ऊपर मैं अपडेटेड आपको ज़रूर रखूँगा। तो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। ऐसे कमाल का कंटेंट के लिए टेक 18 चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड वीडियो का लाइक एम है दोस्तों 2000 लाइक्स का, सपोर्ट जरूर कीजिएगा। अंटिल देन टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।